Glenn Smithers formula or a biconvex lens. Glenn Smithers formula for a biconvex lens. So, yahan par सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे, स्टैंडर्ड डायग्राम होगा, उस डायग्राम को आपको याद रखना है बिल्कुल। जब वाई कॉन्वेक्स होगा तो उसका अलग डायग्राम और वाई कॉनकेव का अलग। देखिए कैसे, यहां इसकी एक वर्टिकल एक्सिस बना देंगे, और ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फिर वाई कन्वेंशन जो हम लेफ्ट साइड में लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को लेके लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आया। अब ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आई और इसको ना, इसकी हम नेमिंग ऐसे कर देंगे, इसको बोलेंगे ए, इस वाले पॉइंट को ए बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे बी और इस वाले पॉइंट को बोलेंगे सी। ये तो ए है ही, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे डी। तो ये वाली जो स्फेरिकल सरफेस है ये कहलाएगी एबीसी, और ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये कहलाएगी एडीसी। एबीसी और एडीसी ये हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जैसे सी है तो आप कहेंगे सी को तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, तो सी क्यों बोलती है यहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर की अब जो हम बात करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो हो गया, क्योंकि पहले जो लिया था वो एक ही स्फेरिकल सरफेस लिया था, अब एक स्फेरिकल सरफेस इधर है और एक स्फेरिकल सरफेस इधर है, तो इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, इधर वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब कि किस बड़े स्फीयर का ये लेंस हिस्सा है, ठीक है? तो ABC और EDC ये सरफेस हो गई। फिर हम कहेंगे कि यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ये रे ऑफ लाइट यहां पर टकराई इधर, ठीक है? यहां टकराने के बाद ये जो मीडियम है ये एयर है, इसको मैं बोल दूंगा म्यू वन। बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा कि रेयर मीडियम को हम म्यू वन बोलते हैं और डेंसर मीडियम को हम म्यू टू बोलते हैं। तो बाहर एक तरह से एयर है, तो एयर में एयर एक रेयर मीडियम होता है, तो यहाँ पर हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया बेटा वो म्यू वन हो गया, और लेंस के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो गया म्यू टू। लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू टू, ठीक है? तो जब रेयर से और फिर लेंस से बाहर जब लाइट निकलेगी तो फिर एयर में आ जाएगी, यानी कि फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन हो गया। तो जब लाइट रे हमारी ऑब्जेक्ट से निकली, लेंस पर यहाँ टकराई इस वाली सरफेस पर, तो अब वो डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये इस तरह से सीधे निकलने की बजाय थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी। कैसे? हम इस पॉइंट पर एक नॉर्मल बनाएंगे, तो नॉर्मल देखिएगा, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाएंगे ऐसे, बस एक बार डायग्राम समझने की देरी है। बिल्कुल डेरिवेशन आप बिल्कुल जैसे आपने पहले करा था बिल्कुल वैसे ही करना होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा M, है ना? मतलब जैसे नॉर्मल जिस पॉइंट पर हम डालते थे तो उस पॉइंट को हम एम बोल देते थे, अब यहां पर इसको बोल देंगे एम। ये पॉइंट एम हो गया, अच्छा। और नॉर्मल जो है
नॉर्मल जहां पर टकराती है प्रिंसिपल एक्सिस पर उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सी तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, तो मैंने इसको बोल दिया सी वन। अब आप ये देखेंगे कि जब ये नॉर्मल है तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम यानी कि न्यूट्रल में लेंस के अंदर वाले मीडियम में एंटर कर रही है लाइट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये थोड़ी सी ऐसी बेंड कर गई, ये ऐसे बेंड कर गई। जब ऐसे बेंड करी तो अब ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप एन बोल दीजिए। एन दिखाई दे रहा है, मैंने एम और एन लिखा है। प्रकृति प्रिया? यस सर। ठीक है ठीक है जी। तो ये एम से एन रे ऑफ लाइट इस तरीके से गई। अब क्या करेंगे, अब ये जो एन पॉइंट है यहां पर भी ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन मतलब चेंज हो रहा है कि लाइट डेंसर मीडियम से वापस रेयरर मीडियम में आ रही है। तो मैं एम पर फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा एन पॉइंट पर, जैसे एम पॉइंट पर ड्रॉ करा था। तो ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, तो यहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर वाले का वो सी टू हो गया। ठीक है, दो स्फेरिकल सरफेस हैं तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। ठीक है ना, आप याद करिए आप लोगों ने 10th क्लास में करा था, उसको आप बोलते थे एफ और एफ डैश। फोकस को एफ और एफ डैश बोलते थे और 2F और 2F' बोलते थे, जो उसका फोकल लेंथ का डबल होता था। ठीक है, तो ये वही है, ये फोकल लेंथ का डबल यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर सी वन और सी टू। उसके बाद जब ये रे ऑफ लाइट अब डेंसर से रेयरर की तरफ जाती है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ ना होकर नॉर्मल से अवे होगी। इट विल मूव, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल से अवे होते हुए ये ऐसे इस तरफ चलेगी। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे आई वन। ठीक है, आप कहोगे कि भाई ये तो इमेज बन गई यहां पर, आप आई क्यों नहीं लिख रहे हैं, आई वन क्यों लिख रहे हैं, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले ये आई वन लिख लीजिए यहां तक, और इतना डायग्राम बना दो पहले, और ये बता दो इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इतना बना लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और बताऊंगा। सर एक बार आई टू का, आई वन का सॉरी दोबारा बताओ। आई वन दोबारा बता रहा हूँ मैं, क्या है कि जो रे ऑफ लाइट है ना, जैसे यहां से ये रे ऑफ लाइट है एम एन, रुको और थोड़ा सा ये क्लियर होगा। ये जो MN है यहां से जो रे ऑफ लाइट है अब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, लेकिन डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो लाइट रे क्या करती है, लाइट रे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागती है। फॉर द टाइम बीइंग आप पहले इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खींचोगे, जिस डायरेक्शन में यह है इसी डायरेक्शन में अगर ये आगे जाए तो कहां जाएगी, ऐसे। ये तो हो गया आई वन, लेकिन ये तो हो गया कि अगर ये इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चली जाती है, आप कहोगे कि ये बनाया क्यों है, वो अभी बताता हूँ दो मिनट के। और अगर अब मैं एक्चुअल चीज देख रहा हूँ, एक्चुअल चीज क्या है कि मैं म्यू टू से म्यू वन यानी कि मैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हूँ, तो वैसे तो मैं इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयर में एंटर कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे यहां पर एक्चुअल में इमेज बनेगी, उसको बोलूंगा मैं आई। अब ये आई वन क्या है, ये आई वन ये है कि अगर यहां पर रिफ्रेक्शन होता ही ना, अगर यहां पर रिफ्रेक्शन होता ही ना तो लाइट कहां जाती, वो सीधी जाती, ये वो चीज है। याद करिए हम लेंस में मिरर में ऐसा करते हैं ना कि लाइन को एक्सटेंड करते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन ना होता तो वो स्ट्रेट कहां जाती, यहां पर।
अभी इसको आई वन क्यों बोला है वो बताता हूँ, बताइए पहले आई वन और आई, ये दोनों क्लियर है? यस सर। ठीक है प्रिया क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो अब मैं इसमें सी वन हो गया, सी टू हो गया, हाँ जी ये सारी चीजें हो गई, नॉर्मल हो गया। ठीक है, अब आप ये देखिएगा ये है क्या, यहाँ पर हम सबसे पहले हम पहली स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे, तो पहली स्फेरिकल सरफेस को एज्यूम करेंगे और फिर ये कहेंगे कि मानेंगे कि दूसरी स्फेरिकल सरफेस है ही नहीं यहाँ। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पहली स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे और ये कहेंगे कि मान लीजिए कि दूसरी सरफेस है ही नहीं, तो अगर दूसरी सरफेस होती ही नहीं यहाँ पर, तो पहली स्फेरिकल सरफेस की जब हम बात करेंगे, फॉर स्फेरिकल सरफेस ए बी सी, मैं यहाँ लिखूंगा फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एबीसी, तो इधर वाली जो एबीसी सरफेस है मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि द रे ओएम इज इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट सरफेस एबीसी, फर्स्ट सरफेस ही पूरी सरफेस है ए बी सी, द रे ओएम ओ से लेकर एम तक, द रे ओएम the ray om is incident on the first surface is incident on the first surface abc. next point, it is refracted along mn It is refracted along MN, comma करके लिख दीजिए bending, bending towards the normal, bending towards the normal. तो कौन सी normal की बात करी जा रही है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ पहली सरफेस ABC की बात करूंगा तो पहली normal की बात करूंगा, ये जो पहली normal है ठीक है, इसको आप लिख लीजिए नॉर्मल एट एम, एम पॉइंट पर डालने वाली नॉर्मल, और ये जो दूसरी नॉर्मल है इसको बोल देंगे नॉर्मल एट एम, एम पॉइंट पर डाला हुआ नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल ठीक है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल उसके बाद मैं इधर लिखूंगा If the second surface ADC if the second surface ABC were absent then refracted ray if the second surface mein likha ho gaya, lekin ye tha ADC, if the second surface ADC were absent then refracted ray MN would have met the principal axis would have met the principal axis at I1 would have met the principal axis at I1 so we can treat I1 as the real image formed by I1 is the real image
formed by refraction from the surface A B C. ठीक है, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि राइट साइड में जितनी भी इमेजेस बनती है सब रियल इमेज ही बनती है, तो हम क्या कहेंगे कि I1 जो है वो हमारी रियल इमेज हो गई। ठीक, तो ये हमने कब करा, जब हमने कहा कि ये जो दूसरी वाली सरफेस है एबीसी है ही नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ पहली सरफेस एबीसी की बात कर रहा हूँ। तो पहले केस में हमने क्या करा, हमने कहा कि ये वाली जो सरफेस है ये एब्सेंट है, ये वाली सरफेस एब्सेंट है, तो हमने ये कहा कि जो लाइट रे है वो रेयरर से रेयरर है और डेंसर है, रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है। ठीक है, दूसरी सरफेस एब्सेंट है, तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करती है तो जो हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है वो देखिएगा। और हाँ, एक चीज और कि जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ से पोल से जो ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंगे, ये वाला, ये तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू हो गया, और जो इधर ये जो हमारा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसको बोल देंगे आर वन, और यहां तक का जो डिस्टेंस है जो C2 तक है तो इसको C2 के कॉरस्पॉन्डिंगली इसको बोल देंगे आर टू। सिमिलरली यहीं से सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि लेंस के सेंटर से जो इस इमेज वन आई वन तक का जो डिस्टेंस है इसको बी वन बोल देंगे B1, और एक्चुअल में जो इमेज है I, उसका डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम V। ये सारे डिस्टेंसेस हैं, आप देख लीजिए I तक का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस सेंटर से निकल कर जाएंगे, I तक का डिस्टेंस हो गया V, I1 तक का डिस्टेंस हो गया V1, इमेज 1 तो V1, ऑब्जेक्ट सिंगल है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 का डिस्टेंस R2, C1 का डिस्टेंस R1। ठीक है, ये सारे डिस्टेंसेस हो गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इस केस में सिंस द लाइट इज एंटरिंग या एंटरिंग का क्या ट्रैवलिंग लिखिए, ट्रैवलिंग from rarer to denser medium, rarer to denser medium, therefore refraction formula rarer से denser का refraction formula होता है mu2 upon v minus mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r। ठीक है, तो रेयरर से डेंसर के केस में हम देखेंगे कि सिर्फ यही वाली सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये वाला हो जाएगा C1। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा R1, और जब यही सरफेस है तो इमेज कहां बन रही है I1। ठीक है, तो म्यू टू अपॉन वी, तो म्यू टू अपॉन वी ना कहकर क्योंकि इमेज I1 है ना, तो म्यू टू अपॉन वी1 बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस mu2 upon v होता है यानी कि इमेज डिस्टेंस होता है, तो mu2 upon v1 minus mu1 upon u, mu1 upon u is equal to mu2 minus mu1 upon r, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, उसके बाद अब दूसरा केस देखेंगे, ये वाला क्या था, फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस abc। ठीक है, फिर देखेंगे फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एबीसी, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस एबीसी इसकी बात करेंगे, तो इसमें देखिए पहला पॉइंट
एक्चुअली द रे एम एन सफर्स अनदर रिफ्रैक्शन एट सरफेस ए बी सी. एक्चुअली रे एम एन यहां पर करूंगा, इसको मिटा लूंगा. एक्चुअली द रे एम एन सफर्स अनदर रिफ्रैक्शन another reflection at surface, another reflection at surface ADC, another reflection at surface ADC, bending away from the normal. यहाँ से bending away from the normal, तो normal ये तो normal से दूर भागते हुए, bending away from the normal. From the normal at point N, जो point N वाली normal है, वो normal थी ना, normal at point N, ये वाली. Next point, next point है इसमें कि normal at point N. And meets the principal axis and meets the principal axis at I. Meet the principal axis at I. In this case, I1 acts as a virtual object for I1 acts as a virtual object for image I. I1 acts as a virtual object for image I. क्यों? क्योंकि हम ये कहते हैं कि जितनी भी real images होती हैं वो सब lens के right hand side पर बनती हैं, ठीक है? और object को तो हम हमेशा left hand side पर ही बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो I1 है ना, ये I1 ही image की तरह काम करेगा. अब मैं आपको एक चीज और बता दूँ. जैसे for example हमारी मान लीजिए दूर की जो नजर है वो कमजोर है, ठीक? दूर की नजर कमजोर का मतलब क्या है कि हमें मायोपिया है. मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस. पास का तो दिखाई देता, दूर का दिखाई नहीं देता. तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? तो आप ये देखिएगा, आप पहले डिफेक्ट ऑफ विजन भी था आपके सिलेबस में से हट गया है. तो अब क्या है कि आप ये देखिए, हम उसको भी ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं. तो उसमें होता क्या है? उसमें ऐसा थोड़ी है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है आप मान लो 50 मीटर तक का देख नहीं पा रहे हो. आप 50 मीटर तक का नहीं देख पा रहे हो तो आप क्या करोगे? आप उसको 50 मीटर वाले को कहाँ लेकर आओगे? आपका फार पॉइंट बिगड़ गया, तो आप अपने फार पॉइंट पर लेकर आएंगे. तो अगर कोई आदमी है जो 50 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो वो आदमी तो 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसकी इमेज थोड़ा आगे बन जाती है जहां तक आपको दिखाई देता है. तो आपकी आंखों के हिसाब से लेंस इमेज बना देता है उसकी. तो वही चीज यहाँ पर है कि ये जो है, जब ये वाली सरफेस नहीं थी, एडीसी सरफेस नहीं थी, तो इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन गई थी यहाँ पर आई वन पर. लेकिन अब हमने ये दूसरी सरफेस भी लगा दी, तो ये जो इमेज बनी थी, इस इमेज की इमेज यहाँ पर बनेगी. तो ये जो इमेज है यहाँ पर, ये एक्चुअल में नकली इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है. अगर ये वाली सरफेस ना होती ना बेटा यहाँ पर, ये दूसरी वाली एडीसी सरफेस ना होती, तो इमेज यहीं पर बनती. लेकिन ये सरफेस लगा दी, तो ये इमेज, इस इमेज की इमेज यहाँ पर बनती. तो जिसकी भी इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. तो इस इमेज की इमेज बन रही है, तो ये तो इमेज हो गई और ये क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया. लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद नहीं है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है.
मेरी बात समझ में आ गई? हम जो कहते हैं वर्चुअल का मतलब क्या होता है, नकली। तो जो चीज नकली होती है उसको हम वर्चुअल बोल देते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है, ठीक, ऑब्जेक्ट की ही इमेज बनती है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इस इमेज की इमेज बन रही है, तो इस वजह से आई वन को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। समझ गए कि नहीं? आकृति प्रिया बताइए, ठीक यस सर, आ गया समझ में। है, तो इसकी इमेज बन रही है यहाँ पर, तो इन दिस केस आई वन एक्स इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर इमेज आई, ठीक है। और फिर हम कहेंगे, हाँ हाँ देखो यहाँ पर, ये सेंस द लाइट इज ट्रैवलिंग। अब देखिए लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, लाइट जा रही है डेंसर से रेयर में। सिंस द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, देयरफॉर रिफ्रैक्शन फॉर्मूला रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, मैं ये बता रहा हूं, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। बस एक ही अंतर है, रेयर से डेंसर में क्या होता है, म्यू टू माइनस म्यू वन होता है, और डेंसर से रेयर में उल्टा हो जाता है, म्यू वन माइनस म्यू टू हो जाता है, डिनोमिनेटर में पहले वी फिर यू और राइट हैंड साइड पे आर, ये रहता है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डेंसर से रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या होता है, म्यू वन अपॉन यू, म्यू वन अपॉन वी, सॉरी म्यू वन अपॉन वी। तो वी क्या है यहाँ पर, इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस वी ही है, ये इमेज है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन, हाँ बताइए, ठीक है, क्लियर है ना। म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू होता है, लेकिन ये जो आइगन है यही ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस इसका कितना हो गया वी वन, ठीक है। अच्छा ठीक, ये हो गया। और तो ठीक इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, यहां पर करेंगे आर टू, और यहां पर हमें करना चाहिए था आर वन, क्योंकि हमने इस सरफेस की बात कर रहा हूं, तो इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखा जाता है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू। बताइए बेटा, दोनों इक्वेशन तो है ना, इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू। अच्छी हाँ, बी वन का बता रहा हूँ। देखिए जी, हमने जो इसका फॉर्मूला होता है ना, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये होता है म्यू वन अपॉन बी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर, ये होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हमने बोला ना कि ये जो आई वन है इट इज एक्टिंग लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और आई वन का डिस्टेंस कितना है कौन से वी वन, तो इसलिए मैंने यू की जगह वी वन डाल दिया, ठीक है। चलिए आगे, क्लियर है, ठीक यस सर। है जी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को ऐड कर दीजिए, ऐड वन एंड टू, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, क्या होगा, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी,
इसकी राइट हैंड साइड क्या है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, ये हो गया। यहां म्यू टू अपॉन म्यू वन और माइनस म्यू टू अपॉन म्यू वन कैंसिल आउट हो गया और इसमें से म्यू वन कॉमन आ जाएगा, तो म्यू वन ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, और इस तरफ देखें तो इस तरफ मैं म्यू टू माइनस म्यू वन, मैं म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लेता हूँ, चलो मैंने यहां से बल्कि एक काम करा, जैसे ये है म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, ठीक है, और ये म्यू वन माइनस म्यू टू है तो माइनस कॉमन ले लो ताकि ये भी म्यू टू माइनस म्यू वन बन जाए अपॉन आर टू। यहां तक क्लियर है, चले आगे, क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है जी। अब देखो अब क्या करेंगे, अब म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन ले लो और इस म्यू वन को नीचे ले जाओ, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन ले लिया कॉमन और इस म्यू वन को नीचे ले गए अपॉन म्यू वन, तो म्यू टू माइनस म्यू वन जब कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, बताइए, ठीक है, समझ गए? आकृति क्लियर, दोनों बताओ क्लियर है? यस सर, ठीक है जी, ये हो गया, इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखना जरा, अब यहां पर मैं ये कहता हूं कि मुझे ना एक चीज देखनी है, मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे फोकल लेंथ का भी पता होना चाहिए। तो हम बहुत ज्यादा कॉमन सी चीज है, हम ये कहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, जब भी कभी इमेज जब भी कभी ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज इंफिनिटी पर बनती है, ये दो चीज होती है हमेशा। आप लोगों को याद भी होगी, हमने टेंथ में भी करी थी कि जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज इंफिनिटी पर बनेगी और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज फोकस पर बनेगी, तो ये वाला कंसेप्ट यूज करते हुए आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। इक्वेशन थ्री को एज इज रहने दीजिए और ये कही ये कहिएगा इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, देखेंगे वी नो दैट इफ द ऑब्जेक्ट is at infinity, if the object is at infinity, यानी कि u is equal to infinity, then image is formed at image is formed at focus. जब इमेज फॉर्म जब फोकस पर इमेज फॉर्म हो जाएगी तो इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी कि बी कितना हो जाएगा, एफ के बराबर, एफ क्या होता है, स्मॉल एफ क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आकृति? सर एक और बार बता दीजिए, दोबारा ये एक्चुअली मिरर नहीं है सिलेबस में, अगर मिरर होता तो हमने पहले मिरर में ये चीज डिस्कस कर ली होती। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होता है ना तो इमेज फोकस पर बनती है, ठीक है, जब इमेज फोकस पर बनती है तो फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो गया, फोकल लेंथ। तो वही चीज है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होता है यानी कि ऑब्जेक्ट का लेंथ ऑब्जेक्ट की जो वो है डिस्टेंस है वो कितना हो गया, इंफिनिटी, ये चीज तो क्लियर। तो इमेज कहां बनेगी, इमेज फोकस पर बनेगी, तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकस फोकल लेंथ के बराबर हो गया, समझ गए? यस सर,
u की वैल्यू इंफिनिटी और v की वैल्यू f, वो इसमें डाल दो मैं इक्वेशन नंबर 3 में। हम ये करेंगे पुट दीज वैल्यूज ऑफ u एंड v इन थर्ड इक्वेशन में डाल दिया मैंने इसको, तो वो क्या हो जाएगा, देखिए v की वैल्यू क्या है अब f माइनस u की वैल्यू क्या है इंफिनिटी, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये है, हम ये जानते हैं कि जब 1 अपॉन 0 जो है, जब 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है यानी कि इंफिनिटी होता है तो उसका उल्टा भी ट्रू होगा, यानी कि 1 अपॉन इंफिनिटी को 0 बोलते हैं। तो यहां पर क्या बचा, ये तो जीरो हो गया, केवल 1 अपॉन f, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हो गया, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए 1 upon v minus 1 upon u किसके इक्वल है, u2 minus v1 upon v1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, equation number 3। और equation number 4 1 upon m ये भी इसी के इक्वल है, u2 minus v1 upon v1 is equal to into 1 upon r1 minus 1 upon r2। तो मैं equate कर सकता हूँ 3 और 4, तो हम कहेंगे equating 3 and 4। Now equating 3 and 4 we get 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v minus 1 upon u 1 upon f के इक्वल हो गया। बताइए समझ में आ गया, यही लेंस बेकर्स फॉर्मूला होता है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अच्छा और दूसरा, ठीक है बस इतना ही सफिशिएंट है। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर अ बाई कॉनकेव लेंस। अब हम लेंस मेकर्स फार्मूला डिराइव करेंगे बाई कॉनकेव लेंस के लिए, जैसे ये बाई कॉन्वेक्स लेंस था ये आ गया, यही सेम चीज मुझे डिराइव करनी है बाई कॉनकेव के लिए। तो बाई कॉनकेव का डायग्राम अलग होगा, ये नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करा दो बाई कॉनकेव। बताइए मिटा दो इसको, हो गया है तो सर नहीं अब लास्ट का रह रहा है। करो करो, सर हो गया। ठीक है, ये मिटा दो सारा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर बाई कॉनकेव लेंस,
ट्रांसमीटर फॉर्मूला और बाई कॉन्केव लेंस, इसका भी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आराम से समझ में आएगा, देखिएगा। क्योंकि इसमें दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो हमारी वर्चुअली बनती है, ठीक है ना, वहां तो रियल और वर्चुअल बन रही थी, एक रियल और एक वर्चुअल, यहाँ दोनों ही केसेस में हमारी इमेज वर्चुअल ही बनेगी। ये तो वर्टिकल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, यहां ऑब्जेक्ट है वो, और पहले वो इधर वाली स्फेरिकल सरफेस पर टकराएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा बना, ये ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट गई वो इधर वाली स्फेरिकल सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद में फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर इस पॉइंट को जैसे पहले बोला था एम, इधर वाली सरफेस को, सरफेस को बोलेंगे ए बी सी और डी ई एफ, इस सरफेस को कहेंगे ए, ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी और ये वाला पॉइंट सी, ए बी सी, इसको बोलेंगे डी, इसको बोलेंगे ई और इसको एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ये हो गया। फिर यहां इस पॉइंट को जहां पर ये टकराती है, इस पॉइंट को मैं बोलूंगा एम, तो एम पर अगर मैं एम पर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, नॉर्मल देखिएगा, आकृति और क्लियर आवाज आ रही है मेरी?
यस सर, यस सर, ठीक है। नॉर्मल तो क्लियर है ना, ऐसे क्यों बना है, क्योंकि नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को यहां पर टकराएगा, तो इस वजह से मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया और इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये ऐसे जाएंगे, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बना लिया, एक काम करिए सुनिए, यहाँ पर आप नॉर्मल बनाओ ही मत, इन्होंने नॉर्मल बनाया ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो इमेज बनेगी ना, एक वर्चुअल इमेज और दूसरी भी एक और इमेज, उस इमेज की इमेज वो सब इधर ही बनेगी इस साइड, तो इधर मैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और बना दूं, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप बस इतना ध्यान रखिए कि भाई ये पॉइंट M है, तो यहाँ से ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बन जाए, भाई ऐसे हो जाए, ठीक है, क्योंकि रियर से हम टेंशन में जा रहे हैं। ये वाला हमारा है म्यू वन, इसके अंदर जो है ये है म्यू टू, और इधर जो है वो है म्यू वन, ठीक है। और फिर जो सरफेस DEF है, तो DEF में हम टेंसर से फिर वापस रियर में जा रहे हैं, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये ऐसे, ये समझ में आ गया, हाँ ये आ गया समझ में, यस सर। ये करने के बाद में हमने यहाँ पर देखिए नॉर्मल नहीं बनाई है, नॉर्मल नहीं बनाई है, क्योंकि नॉर्मल जो है ना वो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा करेगी, यहाँ पर ऑलरेडी तीन रेस बनने वाली है, इसलिए नहीं बनाई, बुक में भी इसीलिए इन्होंने दे नहीं रखा है। तो अब देखिएगा कि जैसे कॉनकेव है, तो कॉनकेव में भी इस तरीके से डाइवर्ट हो गए, तो ये डाइवर्ट अगर ना होती, अगर इसको पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करें ऐसे, है ना, तो हमारी जो इमेज है, इमेज यहां पर बनेगी आई, इमेज यहाँ पर बनेगी आई, और दूसरा अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें, इसको अगर इस लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करें, तो इमेज यहाँ बनेगी आई वन, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई है मेरे से लाइन, एक्जेक्टली ये थोड़ी सी इस तरीके की होनी चाहिए थी, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगी आई वन, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं इस वाली को, वो किस केस में करेंगे वो आप समझ गए होंगे, कि जब मैं एबीसी, सिर्फ मैं एबीसी स्फेरिकल सरफेस की बात करूंगा तो तब मैं इसको इमेज मानूंगा, और जब मैं डीईएफ सरफेस की बात करूंगा तो एक्चुअल में इमेज ये है, तो ये जो आई वन है, ये आई वन क्या है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे वहां होता है। डायग्राम में थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हुई है, मतलब मेरे को ये जो है ना, ये मेरे को थोड़ा सा और ऐसे दिखाना चाहिए था, समझ रहे हो, लेकिन उसको हम ज्यादा ऐसे दिखाएंगे, मतलब ज्यादा ऐसे दिखा भी नहीं पाएंगे, रीजन क्या है कि वो हमको नॉर्मल की तरफ बेंड होते हुए दिखाना है, तो इसी कंफ्यूजन की वजह से इन्होंने नॉर्मल यहाँ पर बनाई ही नहीं है, समझ गए, आई और आई वन क्लियर है, अगर एबीसी सरफेस है ना, सिर्फ एबीसी सरफेस के लिए, तो इमेज ये बन रही है आई वन, ठीक, और अगर दूसरी सरफेस डीईएफ और आ गई, तो इमेज बनेगी यहाँ पर आई वन, ठीक। मैं इस चीज को एक बार दिखा देता हूँ, आकृति क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हाँ यस सर, चलिए मैं चलता हूँ आगे, हाँ पहले जैसे ही है, बस उसमें इस तरह बन रहा था कि हमको एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस मिला होता है, यहाँ सारा कुछ इधर ही घुस गया है इस वजह से, चलिए तो सबसे पहले हम ये कहेंगे for the first spherical surface ABC, for the first spherical surface ABC, हाँ इस पॉइंट को बोलेंगे M,
द इमेज इज फॉर्म्ड एट आई वन, जो इमेज है वो आई वन पर बनेगी. द इमेज इज फॉर्म्ड एट आई वन एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer to denser medium, rarer to denser medium, therefore refraction formula रिफ्रैक्शन फॉर्मूला. यहां देख लीजिए कि ये I1 है, तो I1 तक का डिस्टेंस जो है, जैसे मैंने पहले लिया था V1, ऐसे V1 ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, तो O तक का जो डिस्टेंस है हम क्या लेते हैं U, और ये एक्चुअल में इमेज बन रही है आई, इसकी बात करेंगे बाद में दूसरे केस में, तो इसका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा V. ठीक है, therefore रिफ्रैक्शन फॉर्मूला जब रियर से डेंसर मीडियम में जाएंगे बाई कॉन्केव के केस में, चाहे बाई कॉन्केव हो चाहे बाई कॉन्वेक्स हो, फॉर्मूला तो सेम होता है. रियर से डेंसर के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, रियर से डेंसर के लिए फॉर्मूला वही है, मी टू अपॉन v माइनस v1 अपॉन u, तो v2 अपॉन v, v क्या है यहां पर, v v1 है, तो v2 अपॉन v1 माइनस v1 अपॉन u इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन r1. r1 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस तरीके से बनेगा हमारा जो पहला जो इधर का सर्कल बनेगा, क्योंकि मैं एबीसी की बात कर रहा हूँ, तो इसका स्फीयर इधर बनेगा, तो जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो इस साइड बनेगा आर. ठीक है, तो इसको हमने आर बोल दिया, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन. बताइए जी क्लियर है, ठीक है, चले आगे. आकृति कहीं डाउट है दोबारा बता दूंगा. नहीं सर, आ गया. ठीक है प्रिया, क्लियर है? यस सर. ठीक है जी, देखिए ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन. उसके बाद हम कहेंगे फॉर द सेकंड स्फेरिकल सरफेस और सेकंड स्फेरिकल और सेकंड स्फेरिकल सरफेस डीईएफ, डीईएफ यहां पर हम ये कहेंगे द इमेज आई वन एक्ट्स एज, द इमेज आई वन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट भी क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलिए, क्योंकि वो तब तक ही रहेगा जब तक ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर है. एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट and its image is formed at I, is formed at I, therefore refraction formula for light traveling from denser to rarer medium, यहां mu2 और mu1 था, इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है बस, mu1 और mu2, mu1 पहले और mu2 बाद में, यानी कि mu1 upon v, तो v तो v ही है यहां पर, क्योंकि इमेज ये बन रही है i पर, माइनस म्यू टू अपॉन यू. यू क्या है यहाँ पर, यू है यहाँ पर ये V1, क्यों,
क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है इस केस में, अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसकी आई वन की इमेज यहां बन रही है आई वन, वी वन इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू, ये है इक्वेशन नंबर टू। और फिर वही काम कर रहा है जो उसमें कर रहा था, एड वन इन टू एड फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, म्यू टू अपॉन वी वन माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू, पहले दोबारा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन और प्लस u1 minus u2 upon r, ये हो गया। तो देखिए u2 upon v1 से minus u2 upon v1 cancel out हो गया, यहाँ से u1 common आ जाएगा, u1 common तो bracket में क्या बचेगा, 1 upon v minus 1 upon u is equal to यहाँ से u2 minus u1 common ले लो, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, मतलब आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। मैं इधर कर रहा हूं मिलाकर, क्या होगा ये है 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, 1 upon v minus 1 upon u और ये mu1 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा mu2 minus mu1 upon mu1 और ब्रैकेट में 1 upon r1 minus 1 upon r2 और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर वही चीज, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है आपका जो इससे पहले वाले का करा था, कर लोगे अपने आप। ये ऑब्जेक्ट को u पर मान, ऑब्जेक्ट को बोल दीजिए आपके इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पर, तो वहां से आपकी फोकल लेंथ निकल जाएगी, 1 / b - 1 / u = 1 / f हो जाएगा। बताइए आगे का छोड़ दूं, कर लेंगे अपने आप, यस सर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर लीजिए जी, फिर बाकी नेक्स्ट करता हूं। और हां नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं आपका करता हूँ, जैसे मंडे है ना, तो मंडे को तो रात में 9 बजे होगी क्लास, लेकिन फिर जो मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा उस ट्यूसडे से फिर हम टीटीएस को अपना फिक्स कर लेंगे, टीटीएस हमारी 2 से 3 होगी क्लास, कोई दिक्कत नहीं ना, पर टीटीएस में हमारी 2 से 3 होगी क्लास। और जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है उसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसमें कम से कम इन 3 दिनों में से कम से कम 2 क्लास आपकी जरूर रखूँ, ताकि हफ्ते में 5 क्लास एटलीस्ट हो जाए, ठीक है। ओके सर, हाँ जी सर, एक बार स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ हाँ बिल्कुल, ले लिया सर। चलिए जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ओके।